नाचते थे, गाने लगते थे। अब यही देखो फिल्म हावड़ा ब्रिज, 1958 की फिल्म है बेटा हावड़ा ब्रिज। और 1958 की फिल्म, तब तो तुम्हारा पापा पैदा भी नहीं हुआ था, ये तब की फिल्म है। इस फिल्म का एक गाना है बेटा, जिसका डांस अगर तुम लोग देखो तो ये आजकल के बेतु के ये फेविकॉल और ये सब भूल जाओगे बेटा। तब उस फेविकॉल की जरूरत नहीं थी बेटा, वो गाने हमारे दिलों पर चिपके हैं बगैर फेविकॉल के। देखना चाहोगे? जरूर, तुम्हें बहुत पसंद आएगा वो डांस बेटा। आओ आओ मैं दिखाता हूँ, आओ चलो बेस लग।
वाह 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 भाई वाह। देखा बच्चों, मेरा नाम चिंचिंचू। तो ये थे हमारे ज़माने के डांस। बेटा हावड़ा ब्रिज का ये गाना गीता दत्त जी ने गाया हुआ, ओपी नैयर साहब का संगीत, और इस गीत को लिखा था खमर जलालाबादी जी ने। अब ये नाम तो आप लोगों को खैर पता भी नहीं होगा, तुम्हारे बाप को भी पता नहीं है। बेटा पर्दे पर थिरकती थी हेलन, और ऑडियंस में हम लोग, हेलन क्या दिखती थी। हाँ दादाजी, दादी जी की याद आ गई ना। बदमाश, अरे कुछ भी बोलते रहते हो अनाप शनाप। अब बताओ क्या ये सब कर सकते हो तुम लोग? हाँ, हम ये कर सकते हैं। क्या बोलो, तुम लोग ये कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। अच्छा कितने दिनों में करोगे बताओ? एक हफ्ते में। हफ्ते भर में? हाँ। ये ऐसा तुम लोग कर पाओगे हफ्ते भर? हाँ, में हाँ। कुछ बजा पाओगे? हाँ। गा भी पाओगे? हाँ। शाबाश, तो लग जाओ फिर। अब ये चैलेंज है तुम लोगों को। ठीक है दादा जी। तुमने कहा है कि कुछ करेंगे, तो जाओ अभी लग जाओ, काम पे लग जाओ। जी दादा जी। प्यारे बच्चे हैं, बच्चे भगवान के घर का फूल होते हैं बेचारे, इनको जैसा सींचा जाए वैसा ही बस बढ़ते होते हैं। इसलिए अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों पर कुछ अच्छे संस्कार भी हो, है ना। अच्छा बस जिंदगी यूं चलती जाती है, हमें तो जिंदगी का साथ निभाना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छा गाना मुझे याद आया। फिल्म हम दोनों, और 1961 की फिल्म है, ब्लैक एंड वाइट। देवानंद जी पर फिल्माया गया है गीत, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। वाह वाह वाह, हो जाए भाई हो जाए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। Thank you.
थैंक यू थैंक यू। वाह भाई, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। देवानंद साहब बहुत अच्छे एक्टर थे, चले गए बेचारे। 1963 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पारस मणि, और पारस मणि में पहली बार एंट्री हुई थी लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल जी की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जो पारस मणि फिल्म से इस इंडस्ट्री में आए, उसके बाद 1965 साल में उन्होंने एक फिल्म बनाई दोस्ती, और इस दोस्ती फिल्म में एक से एक सुपर डुपर हिट गाने दिए। पारस मणि से शुरू हुई ये बात दोस्ती तक ही आके सीमित नहीं रह जाती। दोस्ती क्या फिल्म थी। मित्र ऐसा कीजिए कि ढाल सरीखा होए, सुख में पीछा पड़ा रहे दुख में आगे होए, ये हमने सीख ली दोस्ती फिल्म से, 1965 की फिल्म। क्या गीत दिए, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, और दोस्ती के इन गानों ने हमें दोस्ती करना और दोस्तों को प्यार करना भी बखूब सिखा दिया। जब राह न पाए मेरे संग आए कि पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए कि पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती।
दोस्ती का गाना भी बहुत हिट हुआ। अब आप कहोगे कि सिर्फ दोस्ती पर ही फिल्में थी ना, फिल्में तो हॉरर भी बनती थी, सस्पेंस भी बनती थी। 1962 में आई थी, 20 साल बाद, शकील बदायूनी साहब का गीत, हेमंत कुमार जी का संगीत और गाया था लता जी ने। पर पता है, ये गाना गाने से पहले लता जी की आवाज़ में अचानक खराबी आ गई। लता जी तो घबरा गई कि मैं गा पाऊंगी या नहीं। जैसे तैसे उन्होंने गा भी लिया, पर ये गाना इतना सुपर हिट हुआ कि लता जी तो फूले नहीं समाही, और उसके बाद लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा।
गाना तो बहुत डरावना लगता था, पर इसी गाने से बहुत प्रेरणा ली हमारी लता जी ने। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये बस ऐसे ही फिल्में थी, सब साइलेंट म्यूजिक और शांत शांत, ऐसा नहीं था। वो एक दौर ऐसा था जिस दौर में गाने भी ऐसे बने कि जिन पर दिल झूम उठता था, हम झूमने लगते थे, नाचने लगते थे, और उस गाने के साथ